हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जड़ कर इसमें आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पंगा मत लेना हमसे, भारत से पंगा ना ले पाक। आंकड़े देख लो, आंकड़े दिखा देते हैं आपको भारत से क्यों पंगा ना ले पाक। पूरा माहौल गर्म है, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। इंडियन एयरफोर्स ने जबरदस्त हमला कर दिया है पाकिस्तान पे, भारत से पंगा ना ले पाक। आंकड़े दिखाते हैं, कंपेयर करके दिखाते हैं कंट्री इंडिया और पाकिस्तान। कैपिटल आपको पता है, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। सबसे पहले पॉपुलेशन की बात करते हैं, 127 करोड़ है हम लोग और पाकिस्तान केवल 19 करोड़ है, यानी 10 गुना है, हम उनसे 10 गुना ज्यादा है, ये समझ ले पाकिस्तान। एरिया देख लो, 32,87,590 किलोमीटर है, पाकिस्तान का 7,96,000 किलोमीटर है, यानी लगभग चौगुना है हम। देखिए, जनसंख्या में हम 10 गुना है और एरिया में हम चौगुना है। न्यूक्लियर वेपन्स थोड़ा सा यहां पे मात खा रहे हैं हम, दशक बम की बात है, लेकिन हमारे पास जो एयरफोर्स के प्लेन है और छोड़ने की कैपेसिटी है, हम उतनी जल्दी छोड़ देंगे जितनी जल्दी में 10 परमाणु बम छोड़ेगा पाकिस्तान, उतनी देर में हम 100 छोड़ सकते हैं। 100 से 120 परमाणु बम रेडी है भारत के पास। अब आती है बजट की, 58 बिलियन डॉलर का बजट है भारत का, पाकिस्तान का 11 बिलियन है, यानी कि लगभग 5 से 6 गुना ज्यादा बजट है हमारा। और 2.1% जीडीपी का, हमारा जितना भी जीडीपी है ना उसका 2.1% लेते हैं हम, और पाकिस्तान कितना ले रहा, 3.6%। अगर मैं इसका 6 गुना कर दूं, 6 18 6 36, यानी 21% खर्चा करना पड़ जाएगा अगर भारत के बराबर खर्चा करना पड़ जाए पाकिस्तान को। अपने जीडीपी का 21% जब खर्च करेगा तब तो भारत के खर्च के बराबर पहुंचेगा, और अगर भारत अपने बजट का जीडीपी का 20% खर्चा करने लगे तो सोच के देखो पाकिस्तान कहां टिकेगा। एक्टिव पर्सनल 21 लाख के करीब एक्टिव, आर्मी से इन्वॉल्व है, आर्मी में वर्क कर रहे हैं लोग, और पाकिस्तान में 6,53,800 ही हैं, लगभग 3 गुना ज्यादा है। रिजर्व 11 लाख रिजर्व फोर्स भी है हमारे पास, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, एनसीसी है, बहुत सारी हम ये भी बना के रखते हैं। 11 लाख अगर हमें रिक्रूट करने होंगे तो तुरंत रिक्रूट करके भेज सकते हैं बॉर्डर पे। पाकिस्तान के पास इससे आधे हैं, 5,13,000, यानी अगर पाकिस्तान के एक्टिव और रिजर्व दोनों मिला जाए ना तो 11 लाख हैं जितने हमारे पास रिजर्व में है, ये तो रिजर्व में हमारे पास जितनी टोटल पाकिस्तान के पास है। अब आ जाओ मिलिट्री की बात, मिलिट्री के पास जो टैंक अवेलेबल है, 4,426 टैंक अवेलेबल है मिलिट्री के, और पाकिस्तान के पास 2,735 हैं। पिछली बार पैटर्न टैंक लेके आया था, बॉर्डर मूवी भी देखी होगी आपने, और पैटर्न टैंक की ऐसी तैसी मार दी थी, आग लगा के भेज दी थी हमारे यहां से। टैंक 4,400 हैं, डबल हैं लगभग। आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स 5,681 हैं, पाकिस्तान के पास 3,066 है। टोटल आर्टिलरी यानी रॉकेट छोड़ने की कैपेसिटी होती है, आपने देखे होंगे, अभी मैं आपको दिखा देता हूं, 5,067 है और पाकिस्तान के पास 3,745 है, ये भी लगभग डबल है, पाकिस्तान से डबल चीजें। चलिए पहले एक नजर दिखा देता हूं, अभी 2 स्लाइड और बची हैं, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले एक नजर देख लो हमारी आर्मी के पास क्या है, T-72 टैंक, ये T-72 टैंक है, T-90 टैंक है, रशिया ने हमें दिया है ये T-90 टैंक। अर्जुन MK-1 टैंक, ये हमने भारत में ही बना लिया, खुद बना लिया, अर्जुन MK-1 टैंक, इसका हायर वर्जन DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बना दिया है। अर्जुन MK-2 डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उड़ी मूवी देखी होगी आपने तो वहां से एक बाज को लेके आए थे अजीत डाबोल, आपको ध्यान होगा, तो ये अर्जुन MK-2 टैंक भी DRDO ने बनाया है और हम बना सकते हैं फटाफट। BM-21 ये रॉकेट लॉन्चर व्हीकल है हमारा और ये हमें रशिया ने दिया है। पिनाका इंडिया, ये हमने खुद बना लिया, पिनाका इंडिया ये खुद DRDO ने डेवलप करके यही बना लिया। MiG-21 यानी आप देख सकते हैं बिल्कुल रॉकेट की तरह का यान है, MiG-21
रॉकेट की तरह चलता है, बिल्कुल रॉकेट की शेप का है, जहां घुस गया तुरंत घुस के नेस्तनाबूत कर देगा। MiG-29 देख लो, MiG-29 की भी नोक आपको दिख रही होगी, और ये वार हेड इतनी चीज ये ले जा सकता है, ये बम है, ये सारे ये बम ले जा सकता है और छोड़ सकता है MiG-29। Sukhoi-30MKI ये रशिया ने दिया है हमें यान, सुखोई यान। फिर है डसाल्ट मिराज 2000, जिसकी जय पूरा भारत बोल रहा है, आज सुबह ही धमाका कर दिया 4:15 बजे, 3 से 4 बजे के बीच डसाल्ट मिराज 2000 ने पाकिस्तान में जाके अंदर घुस के वापस आ गए, हमला करके नेस्तनाबूत कर दिया। और यह हाल तेजस इसे भारत में ही बना लिया, भारत ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया इसको तेजस को। फिर है सीपी कैट जगुआर, जगुआर आपने कार सुनी होगी, जगुआर एक हमारे पास यान भी है। फिर है ये MiG-27 बहादुर, मिग सीरीज का 27 बहादुर, मिल MI-8 नाम का हेलीकॉप्टर है, ये भी हमले कर सकता है। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ध्रुव चेतक ये हेलीकॉप्टर खुद ही डिजाइन कर लिए, किसी और से लेने की जरूरत नहीं है, ये भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने खुद डिजाइन कर लिया चेतक हेलीकॉप्टर, ये भी इंडियन एयरफोर्स के पास है, जबरदस्त। फिर यह वेस्टलैंड, वेस्टलैंड का आपने सुना होगा, अगस्ता वेस्टलैंड के हेलीकॉप्टर खरीदे थे, ये वही हेलीकॉप्टर है सी किंग के नाम से, ठीक है। ये पनडुब्बी, 9 पनडुब्बी है हमारे पास, सिंधु घोष, पूरी 15 पनडुब्बियां हैं और पाकिस्तान के पास केवल 2 हैं, तो इस मामले में भी पाकिस्तान पीछे। और यह शिप जबरदस्त शिप देख सकते हैं, पूरे मकान के मकान, और यह शिप तो बड़ी जबरदस्त है, यहां से वायुयान फाइटर जेट यहां से उड़ान भर सकते हैं, आ सकते हैं, उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, एक शिप के ऊपर ही डेक बना हुआ है इसका, जबरदस्त शिप, देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है ये। और चलिए अभी और बता देता हूं, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, भारत के पास 290 है, पाकिस्तान यहां थोड़ा सा ज्यादा है 325, रॉकेट आर्टिलरी 292, पाकिस्तान के पास आधी भी नहीं है, फाइटर एयरक्राफ्ट 323 है, पाकिस्तान के पास 186 है आधे, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट भारत के पास 329 है, मल्टी रोल मीन्स इन्हें यूज कर सकता है भारत फाइटिंग में भी, पाकिस्तान के पास 225 है आधे, अटैक एयरक्राफ्ट भारत के पास 220 है, पाकिस्तान के पास 90 आधे से भी कम, हेलीकॉप्टर भारत के पास 725 पाकिस्तान के पास 323 ही है, नेवल 214 है पाकिस्तान के पास 231 है, नेवी के एयरक्राफ्ट है, सबमरीन भारत के पास 15 पनडुब्बी पाकिस्तान के पास 5 ही है। ये मैंने आपको कंपैरिजन बताया भारत और इंडिया का, और पाकिस्तान पंगा ना ले, भारत से पंगा ना ले पाक, आंकड़े देख ले पहले और फिर सोचे भारत की ओर आने की। तो चलिए अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, अगर आप इस तरह के आंकड़े की वीडियो देखना चाहते हैं, ये आपके काम आ सकते हैं, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन जरूर दबाएं, प्लेलिस्ट में जाके देखें, बहुत सारी जबरदस्त वीडियो आपको मिलेंगी हमारे चैनल ए टू जेड करियर्स पे। ए टू जेड करियर्स इज ऑलवेज विद यू, माई नेम इज डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, इवन यू कैन कॉल अप मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन राइट अप योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टडी, आई विल ट्राई टू गिव यू सम सॉल्यूशन, गॉड ब्लेस यू, ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के बाद लाइक का बटन जरूर दबाएं इस वीडियो पे, अगर आप भारत से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को तुरंत देखते ही लाइक जरूर दबाएं और शेयर कर दें अपने यारों दोस्तों को, ताकि वो भी देख लें कि भारत से पंगा ना ले पाक, और इंडिया की भारत की कंपैरिजन पाकिस्तान की आर्मी के साथ, इंडियन एयरफोर्स का कंपैरिजन पाकिस्तान की एयरफोर्स के साथ, भारत का पाकिस्तान का कंपैरिजन, नेवी का मिलिट्री कंपैरिजन, सारा डाटा मैंने दिया। और ये आंकड़े जो है लगभग हमने वेबसाइट्स गूगल से लिए हैं, और ये आंकड़े थोड़ा बहुत चेंज हो सकते हैं, तो आंकड़े बिल्कुल एग्जैक्ट हो सकता है कि चेंज हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।